मथुरा के दीनदयाल धाम स्टेशन पर धाम स्टेशन फरा पर रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक बहुत बड़ा हादसा होने से टला है। आपको बता दें कि रेल की पटरी टूट जाने के कारण ये घटना हुई है। आपको बता दें कि किसी भी कर्मचारी या प्रशासनिक अधिकारी को इसकी खबर तक नहीं थी। एक के बाद एक कई ट्रेन निकल रही थी, तब जाकर पता चला कि ट्रेन की पटरी टूटी हुई है। इस लापरवाही के लिए रेलवे प्रशासन में कोई भी बात करने को भी तैयार नहीं था। उन्होंने ये भी बताया कि इस तरीके की सर्दी के मौसम में पटरी टूटने की शिकायतें आती रहती हैं। इसके बावजूद ये भी देखा गया कि जो दीनदयाल धाम स्टेशन पर गार्ड रहते हैं उनको भी कोई इसकी खबर नहीं है। मुसाफिरों ने बताया कि ट्रेन की पटरी टूटी हुई है, ट्रेन से हो रहे इतने बड़े हादसों पर शासन बिल्कुल भी सख्त नहीं है और शासन की लापरवाही जनता के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम है। आए दिन केंद्र सरकार के लाखों प्रयासों के बावजूद भी वो रेल मंत्री पीयूष गोयल के निर्देशानुसार भी रेल प्रशासन काम में नाकाम दिखाई दे रहा है। इस बीच कोई भी प्रशासनिक अधिकारी बताने को भी तैयार नहीं था। इस तरह की लापरवाही कई बार देखने को मिली है, पर इस पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। हादसे की जानकारी यात्री ने लोगों को दी। यहाँ पे जो रेलवे लाइन की जो पटरी है वहाँ पर ये बीच में से टूट गई थी, तो रेलवे लाइन वालों ने उसमें क्लंप लगाकर जोड़ दिया उसे, तो उस पर लाखों दर्जनों ट्रेनें गुजरती रहीं। तो सुबह देखा तो दर्ज बड़ी हो गई थी, तो सुबह अधिकारी आए, रेल की पटरी टूट गई थी तो अधिकारी आए, उनके सामने 3-4 घंटे काम चला। फिर उसके और जो ट्रैफिक है, जो फाटक है जो बंद रहा था 3-4 घंटे, उसके बंद हो जाने के बाद यहाँ पे अधिकारी आए थे, उनके सामने 3-4 घंटे काम चला, उसके बाद काम बंद हो गया। अभी लाइन सही है? अभी लाइन सही है? हाँ, अभी लाइन थोड़ी सही है। और हमारा कहने का जी मतलब है कि जी रेलवे लाइन की जी बहुत लापरवाही रही थी, इससे लाखों की जाने भी जा सकती थी। इसमें ट्रेन आपकी माँ है, बहन है, सभी उत्तर प्रदेश से सैयद जाहिद की रिपोर्ट।